कसम से गाइस, मैं सब प्लान करके चल रहा था कि यहाँ से हमको ट्रेन में जाना है, ये लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हुआ और इस इनोवा में हम जा रहे हैं छह लोग। इनोवा अरे कौन सी गाड़ी है रे भाई, मुझे पता ही नहीं है। और मेरे को और लेजेंड को पीछे जो बैठना पड़ा है, अरे यार मेरा आगे मतलब जब तक चल नहीं रही थी तब तक मुझे आगे बैठने के सपने दिखाए जा रहे थे, तब से आगे बैठूंगा, जैसे कार चलने लगी तब से पीछे धकेल दिया। दुख है भाई, दुख है, यही होता है कमजोर। अब गाइस ना यहाँ पे कुछ आराम कर पा रहे हैं, अगली बार अब जब खाना खा के मोटा हो जाऊंगा फिर यार। अब चार घंटे ऐसे ही जाना है ये बोल के पीछे धकेल लिया, तू तो पतला है क्या, तुम दोनों तो पतले हो पीछे एडजस्ट हो जाओगे। अरे भाई एडजस्ट हो, कुछ कम्फर्ट नाम की भी चीज होती है, मतलब पतले लोग कम्फर्ट नहीं देते, मतलब पतले लोग तो कम्फर्ट क्या माँ की आँख करने लोग है, इसलिए कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। अब कैसे करके एडजस्ट कर रहा हूँ, चार घंटे का सफर ऐसे ही बिताऊंगा, बाकी को ये देखो हम ऋषिकेश आ चुके हैं मीटअप के बाद और जस्ट हम रूम में एंटर ही हुए हैं। ये रहा हमारा पूरा ग्रुप जो फिलहाल जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है, वो उसका टूर देना है, वो टूर मैं दूंगा क्योंकि मैंने पहले टूर ले लिया आके। आओ तू कब बना रही है, तूने एंड कर दिया, अब मैंने शुरू किया है, तो आओ गाइस। ये हमारा रूम लॉक हो गया, यही है हमारा लिविंग, इसको क्या बोलते हैं इस जगह को, ऐसी जगह को चिलिंग एरिया, अरे घरों में कुछ बोलते हैं ऐसी जगह, लिविंग रूम, हॉल, हॉल बोलते हैं गाइस, हॉल बोलते हैं। ये है हमारा किचन गाइस, जहाँ पे ठकुराइन खाना बनाएगी आज हमारे लिए, आओ ठकुराइन देख लो आके। ये है तुम्हें यहाँ बर्तन धोने, ये बर्तन का काम आप करोगे भैया, ये बर्तन तो धुले हुए पड़े पहले से, और ये है गैस, और ये इंडक्शन है, और ये है माइक्रोवेव जो मेरे को बिल्कुल चलाना नहीं आता। ये एक रूम है, ये देखो ये क्या है, क्या है ये, भीगा ये आपका दिमाग क्या खाली, ये उसने ट्रैकिंग की प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे। अभी आपको मैं घर एक ही बार दिखाएंगे क्योंकि मुझे पता है कल से ये दिखाने लायक नहीं बचेगा। तुम नीचे वाला रूम ले लो उसना, और ये सब नीचे रूम ही है, हाँ सबसे नीचे वाला एक रूम है, ये एक रूम अटैच बाथरूम, ऐसे अटैच है इस तरह, या तो नीचे वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, नहीं तो ये तुम ही ले लो, सामान रखा है ना इसमें रहोगे, हां इनको लड़की को दे दो बीच वाला, देखो ऊपर के फ्लोर भी लेंगे, ये अच्छा रहे तुम्हारा ड्रेसिंग एरिया भी, कोई तो देखो नहीं था वॉशरूम में था, हां ठीक है मान लिया, ये वॉशरूम बनना था यहां पे, पर पूरा तो भी, अरे बाहर का व्यू दिखा देते हैं गाइस हम भी, जंगल और के कर दो बाहर, भाई साहब जंगल 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 में होगा। ओ भाई क्या ही स्मेल आई है, बंद करो इसको, कचरा बहुत है गाइस, और किसी ने अपना कमोड बाहर फेंका हुआ है हमारे रूम से, किसी ने कमोड ही बाहर फेंक दिया अपना, क्या फेंक दिया, कमोड ही बाहर फेंक दिया, ये देखो वो देखो वो देखो वो पड़ा, अबे ये इसी का है, बदबू आ रही है भाई बहुत तेज की, कोई यहाँ से जंगल हाथी सब आते होंगे, जंगल हाथी कैसा है ये, अबे ये देख यहाँ से रास्ता है और यहाँ से वो है, हाँ, गंगा जी आई है तो मुझे पता है, तो हम लोग रात में यहाँ से जाएंगे ऐसे, हम तो रात में भी नहीं जाएंगे दिन में भी नहीं जाएंगे, रास्ता बनाओ वहाँ से जाऊंगा। हाँ यार ऑक्सीजन तो बिल्कुल खिड़की खोलना है, मैं तो ऑक्सीजन की सोच के था, खेतों में लोटा लेके लो आते हैं, खत्म कहाँ, यहाँ रेल बनाएंगे वो चांटे वाली, किंड चली तू रे, किंड चली तू, टुमक टुमक के टकुराइन, टूट गया ही, ये है मेरे और लेजेंड का रूम, ये हमारा, ये बॉयज रूम है, भाई हमें यही चाहिए, नहीं 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 नीचे है भाई, पहले दिया है तुमको, हम ले लेते होंगे, हम ले लेते हैं, ऊपर का हम लेंगे यार, ऊपर का नहीं मिलेगा भाई, हमने पहले डिसाइड कर लिया था,
सामान इसलिए तो लेके आए हम। चलो भैया। और सबसे टॉप व्यू पे देखने जाएंगे, वहाँ से कैसा दिखता है। ज्यादा लोग एक साथ, उसने बोला दो लोग एक साथ रह सकते हैं जीने पे केवल, याद रखना टूट जाएगा। अरे मत चढ़ो भाई, उसने बोला एक टाइम पे दो ही चढ़ने हैं, याद है सारे चढ़ गया। चल के खत्म तो कर, एक आदमी रुका हुआ है भाई। तो बहुत ये सीढ़ियाँ बहुत रिस्की होती है गाइस, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको बता सकता हूँ। अरे ये क्या है, हमने देखो एक दिन का, ये 5 दिन का है ये भाई, ये 5,000 वाला ले लेते, लेकिन कम से कम एक फार्म हाउस होता क्या भाई, इसमें कमी क्या है, इसमें क्या भाई। नहीं वेट, आराम से तू तो अपने पॉइंट बोल, फिर हम बताते हैं, हम एक डिबेट करते हैं, बता। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि एक कम से कम ऐसा होना चाहिए। गाइस किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई है, ठगुराई ने पूरी किचन की जिम्मेदारी निभा रही है। देखो खीरे वाला आया था, सब्जी खीरे खरीद ली, खीरे में मसाला एक अलग ही लाल खीरा बना। तो गाइस लड़कियां के यहाँ बहुत रोने लग गई, उन्होंने कहा मेरे को तो अटैच लेट बाथरूम चाहिए, अटैच बाथरूम चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, फिर मैंने और लेजेंड ने कुर्बानी दी भाई, हम आ गए इस रूम में सबसे नीचे वाले में, और इसमें पता नहीं ये क्या आवाज़ आ रही है। अब ये है या पानी की आवाज़ या कोई जानवर है, पता नहीं, कोई पानी की आवाज़ ही है शायद, ये कोई जानवर तो नहीं होगा, पर पता नहीं क्यों आ रही है, बारिश तो हो नहीं रही है बाहर। फिलहाल के लिए तो मुझे अपना थोड़ा रूम एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 दिन अब यही हमारा आशियाना है। अब पता नहीं ठकुराइन तो खाना कब तक बनाएगी, ठकुराइन के भरोसे रहा तो लगता है ये रात भूखी गुजर जाएगी। तो अच्छा है, चलो कुछ तो मिल गया, बिस्किट। ये हमारा चिलिंग एरिया है तो मैंने दिखा दिया, अभी दिखाता हूँ हमारे बाकी खिलाड़ी कर कौड़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम सब अब कुछ काम कर रहे होंगे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।